देखिए ख्याल तो जब आ जाता है मजबूरी क्या नहीं करा देती। देखिए बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं साथ में, झुग्गी वाले बच्चे अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको भी समझा रही हूँ पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी है बड़ी, बेटी की शादी कर दी, अमेरिका वाली कोचिंग में टीचर है, और बड़ा बेटा उसके बाद है, बेटी के बाद मतलब, तो वो कोचिंग पढ़ा रहा है किसी की कोचिंग में, और छोटा बच्चा बीए करके पीएससी की तैयारी। हमने सुना था कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे डॉक्टर या इंजीनियर, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूँ जो कि पेशे से डॉक्टर है, लेकिन मजबूरी में वो इस वक्त चाय की दुकान चलाती है सड़क पर। इस वक्त मैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ है जिनका नाम है मुमताज चतुर्वेदी, जो कि सड़क के किनारे चाय का ठेला लगाती है। तो मैं मुमताज जी से बात करना चाहूँगा, ये बताइए आपके पास कौन कौन सी डिग्री है और क्या मजबूरी है कि आप सड़कों पे चाय का ठेला लगाती हैं? चलिए पहले मैं आपको हैप्पी होली बोलती हूँ, और मेरी शॉप पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कौशिक जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उसके साथ ही बताती हूँ माय नेम इज़ डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, MA PhD BEd MEd, और 36 साल का NGO का एक्सपीरियंस, और काफ़ी ट्रेनिंग्स मेरे पास हैं, 5 साल YC भी रही, 2 बार मिनी मैराथन क्लियर किया है MP में, और स्कूल चलाती रही ग्वालियर में, और जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्वालियर से मेरा एजुकेशन है, PhD मेरा आगरा यूनिवर्सिटी है, और बाकी कुछ सालों से मैं दिल्ली में हूँ। पहले हस्बैंड मेरे यहीं थे तो मेरा आना जाना रहता ही था, क्योंकि मुझे MP से नॉमिनेट किया था, उनको दिल्ली से नॉमिनेट किया था, मैं रूरल मिनिस्ट्री में 5 साल के लिए नॉमिनेट हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर जी के टाइम से ही। देखिए ख्याल तो जब आ जाता है मजबूरी क्या नहीं करा देती। अगर सपोज करो कि पैसे नहीं है और चप्पल टूट गई, तो ख्याल ये भी आ जाता है कि एक सेफ्टी पिन मिल जाए और उसको लगा लें और चले जाएं, तो ख्याल तो मजबूरी से आता है। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मेरे सामने थोड़े दिन के लिए अंधेरा आ गया, फिर मैंने कहा अंधेरा लाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस समय बेटी की शादी भी नहीं की थी, तो लगा कि मैं दिल्ली में आई हूँ। हम लोग जा चुके थे हस्बैंड की डेथ के बाद दिल्ली से ग्वालियर, जाना ही पड़ता है, कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो फिर मेरे को लगा कि जो मैं दिल्ली में कर सकती थी वो ग्वालियर में नहीं कर सकती, काफ़ी अंतर है। तो आपके बच्चों को पता है कि आप यहाँ पे सड़क पे चाय की ये चाय बेचती हैं? बताया उनको कोई एतराज़ नहीं कि आप सड़क पे चाय क्यों बेचती? नहीं नहीं, उनको पता है कि मेरी माँ सोशल है, और बचपन से सोशल हुई हूँ मैं, तो शादी से पहले ही सोशल थी। देखिए बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं साथ में, झुग्गी वाले बच्चे अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको भी समझा रही हूँ पढ़ा रही हूँ। बाकी मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा कि कोई भी मरीज़ की अगर कोई परेशानी है, सपोज करो वो आगे से आ रहा है, वो एक छोटी सी थैली में दूध गर्म करवा रहा है, उसको आगे 30 रुपये बोले जा रहे हैं, तो मैं उसका 10 में कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो किसी से पूछना नहीं है, उनके यहाँ वर्कर लगे हुए हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं मैंने मना कर दिया तो आप नहीं कर सकते, तो ये मेरा समाज सेवा है, इसको मैं आगे भी करती रहूँगी, और आगे जाके मेरा एक आश्रम बनाने का विचार है, और इस काम को इसलिए भी चुना है कि इस काम के लिए मुझे कोई टेक्निकल महिलाएं नहीं चाहिए, कोई भी महिला को बिठाऊँगी तो वो खाने पीने का चाय का काम मेरे साथ कर पाएंगी, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है, पूरा देश को पता है कि कोरोना में काफ़ी लोगों के घर टूटे हैं, उनमें से जेंट्स भी हैं भाई, उनका घर टूटा है, अब उनके एक भटकाव है, अब किसी के बच्चे रह गए, अब वो कह रहे हैं कि खाना बनाने वाली नहीं है, तो हम उनको भी बता रहे हैं कि अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो हम कुछ ऐसे टिफ़िन व्यवस्था करवा देंगे भाई, कोई हमारे पास बेसहारा आती है और वो शादी चाहती है तो हम उसकी शादी के लिए भी उसको बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, और दोनों की मीटिंग करा देंगे, सेट होता है तो ठीक, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर वो आपकी तरह अगर ये काम करना चाहे तो उनको आप क्या मैसेज है, क्या उनको मोटिवेट करेंगे? मैं उनको ये मैसेज करना चाहती हूँ कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं पहले तो, क्योंकि आदमी के पास स्ट्रांगनेस होती है तभी वो कुछ कर पाता है, और छोटा काम करना भी शान की बात है भाई। जैसे आप बताइए किराए में आप कितने बड़े घर में रहते हैं, लोगों को दादागिरी कहते हुए सुना है कि मैं 50,000 रुपये किराया देता हूँ,
लेकिन तू है तो किराए में, 2 मिनट में मकान वाला भगा देगा। और एक झुग्गी वाला कहता है कि मेरी अपनी झुग्गी है, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छा मानती हूँ क्योंकि वो उसकी अपनी है। उसी तरह से ये मेरी अपनी है, मुझे यहाँ बैठने में कोई शर्म नहीं है और कोई बात। मतलब आप पहले एज ए डॉक्टर रह चुके हैं, अब आप चाय बेचती हैं, आपके हस्बैंड नहीं, तो आपको कहने का दुख होता है कि जो पहले की आपकी ज़िंदगी थी वो बेहतर थी या अब आपकी ज़िंदगी बेहतर है? मैं तो समाज सेवा में ही सांस लेती रही हूँ, तो मुझे तो दुख सुख लगता ही नहीं है। मैं शादी से पहले समाज सेवी थी, हम दोनों की शादी भी समाज सेवी होके हुई है, क्योंकि वो भी सोचते थे कि मुझे समाज सेवी लड़की मिले और मैं भी सोचती थी कोई समाज सेवी लड़का मिले, तभी हम लोगों की शादी हो। कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं बच्चे? मैंने आपको बताया मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी है बड़ी, बेटी की शादी कर दी, अमेरिका वाली कोचिंग में टीचर है, और बड़ा बेटा उसके बाद है, बेटी के बाद मतलब, तो वो कोचिंग पढ़ा रहा है किसी की कोचिंग में, और छोटा बच्चा बीए करके पीएससी की तैयारी। तो आंटी ये चाय बेच के आपकी दिन भर में कितनी कमाई हो जाती होगी, मतलब कितनी चाय बिक जाती होगी, प्रॉफिट होता है आपको इससे? देखिए कमाई बोलो तो यार सिर्फ समाज सेवा चल रही है? नहीं नहीं कमाई बोलो तो 0% खाता जीरो ही है, मोदी जी की कृपा से 0 खाता खुला हुआ है, वो 0 ही है, मैंने उसमें कुछ नहीं डाल पाया है। बल्कि मैं जिस झुग्गी में रह रही हूँ 200 रुपये रोज दे रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ शाम को बस भगवान ऐसा कोई भेज दे कि मेरी 5 चाय कम पड़ रही है ये पैक हो जाए, तो शायद मेरा 50 रुपये जो कम पड़ रहा है वो पूरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो आप कर रही है सोशल सर्विस, एक तरीके लोगों की मदद कर रही है चाय बेच के। जी जी मेरा फर्स्ट टाइम में हिंदी, सेकंड सोशियोलॉजी और तीसरा ट्राइबल महिलाओं की प्रॉब्लम, पीएचडी। इसमें आपने पीएचडी की? जी।